पानी का निस्तार हमन के ना बा, पानी का साधन ना बा, यह कुल तो बात दिक्कत दीदी। कब से? अरे कब से कहा, हम तो बहुत ढेर दिन से हमारे छेलक बानी। कहाँ पे आती है पानी? पानी यह कहता है कि रोड पर उदह के फेंकल जाला। रोड पर फेंकती हैं, इससे कोई समस्या कोई बोलता है? अब भाई जेकर खेत की आरी बात हो बोलबा न करी भैया। सड़क के लिए? सड़क के लिए ना बोला सब। अपना अपना पानी अपने अपना खेत में नहाना धोना का पानी है, खेत में जा रहा है। कब से? सब दिन से। इसके लिए आप कहीं कहे नहीं प्रधान से या किसी से? बहुत लोग चल गए जाँच पड़ताल करके, सब लोग चल गए हाँ, लेकिन एको कोई सुनवाई भाई कानो जात बा खेते में कियारी में तो सब कोई बोलत बा दुआरी के पानी गड्ढा खन के गिरावत है, रोड पर फेकत पाए तो वो बोले चार आदमी बोलत हो कि रोड पर पानी गिरावत है। हाँ, अपन अपने के पानी गिराओ को बड़ी समस्या है हमारा, जो कि द्वार पर नाली की समस्या है अधिकांश कम से कम 15 घर के लिए। कब से है? अरे हम लोग बहुत ज्यादा दिन से झेल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग कहीं प्रधान से? प्रधान से तो कहिया से कहा बा। कितने दिन हो गया कहे? अरे बहुत दिन हो गए, तब ले अगली प्रधानी खत्म हो गए, जने रहना प्रधान यादव जी उन्हों के सर्वे उर्वे का भयल का यहाँ से हटा देना, पुलिया मुलिया गिरल रह तवन हटा देना। हाँ, ले जाके अंत बनवाना जहाँ की जहाँ पानी का साधन बा, बह का साधन बा, वहाँ ले जाके गिरवा देना। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि इस गाँव में जो सीवर है लोगों को इससे दिक्कत हो रहा है, जो नहीं है वो लोग पानी बहाते हैं अपने घर पे गड्ढे खान कर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर का प्रावधान है और ये हमारे ग्राम सभा में इतना धन नहीं है कि 2 किलोमीटर का सीवर हम निकाल सकें। लिहाजा हमने एप्लीकेशन लगा दिया है, 2 किलोमीटर का सीवर जब निकल जाएगा तो हम छोटा छोटा कुलाव बना करके अपने गाँव की बस्तियों का उसमें ज्वाइन कर देंगे और सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ के प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ पे, और जिलाधिकारी सुभाष चंद्र सरोज जी का कहना है कि वो उसका कार्य पे ध्यान दिया जा रहा है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। विकास के लिए निकले हैं, विकास जल्द से जल्द ही हो जाएगा।